शिबू सोरेन के बड़े बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को सोरेन परिवार के खिलाफ कभी शिकायत सुनना रास नहीं आता था। 3 बार जामा से विधायक बने, वह भी जेएमएम कोटे से। आज भाजपा में जाकर जो बयान दे रही हैं, उससे यह लगता नहीं है कि यह कभी उस झामुमो से नाता भी रखती थी। दुमका में सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन कृषि मंत्री रहते बीज घोटाले में फंसे थे, जबकि कल तक उन्हें चाचा कहती थी। इतना ही नहीं, अपने परिवार और झामुमो को भी नहीं छोड़ा। कहा जेएमएम का जेल भरो अभियान जारी है, यह लगातार जारी रहेगा। इस बयान के बाद नलिन सोरेन और सीता सोरेन आमने सामने हो गए हैं। सीता ने सवाल किया कि पूर्व सीएम अच्छा काम कर रहे हैं तो जेल कैसे पहुंच गए? घोटाले में फंसे हुए हैं, एक एक करके ये सारे लोग जेल जा रहे हैं। जेल भरो अभियान जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि 3 साल से तो ये धीरे धीरे करके चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं वहाँ से पाकुड़ से किस तरह के, वहीं से शुरुआत है और कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन आज के डेट में पब्लिक पूरी तरह से जाग चुके हैं, वो समझ रहे हैं कि अब आखिर हम आने वाले दिनों में विकास किसके माध्यम से होगा। पूरे के पूरा विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही आप विकास होगा। जिस तरह का हमने जो घोषणा पत्र पढ़े हैं और आप लोगों को भी एक कॉपी दे दिया जाएगा, उसको देखते हुए जो विकसित भारत का जो सपना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो ये सपना है। हम लोग जल्द से जल्द इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और मोदी जी को हम लोग तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और यहाँ से भी जितने सीट है 14 के 14 सीट में से हम लोग कमल खिलाने का काम करेंगे और पूरे भारत की जनता का भी यही राय है। सीता की यह बात सुन नलिन सोरेन भी अपने आप को रोक नहीं सके और कहा, अपने गिरेवान में झांके सीता सोरेन। जनता सब जानती है कि वह भी राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपित हैं, जेल यात्रा भी कर चुकी हैं। नलिन ने कहा कि सीता सोरेन बीजेपी की भाषा बोल रही हैं, झामुमो को समाप्त करने की साजिश करके घर को तोड़ा गया है, इसका जनता करारा जवाब देगी। है नहीं भी उसकी, फिर वो भी है उसकी और दोष दे रहे हम। मेरा तो कोई ये भी नहीं हुआ है, जजमेंट भी नहीं हुआ है और इसके बाद इस तरह की बात गलत। पहला अपना देखे तभी अगली, वो भी ऐसा जो राज्यसभा का चुनाव होता है उस चुनाव के तहत में हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है और हॉर्स ट्रेडिंग में उसमें जो कार्य है उसका दाग है अभी भी चल रहा है और उसी को साफ करने के लिए वाशिंग मशीन बीजेपी वाला माननीय न्यायाधीश ठीक है बताएगा और निश्चित रूप से बेदाग इसके लिए तो वही है। बीजेपी जो उसका गुरु अभी बना हुआ है वही भड़का है, वही ने उसी ने जो घर को तोड़ने का काम किया वही अभी भड़का करके नलिन सोरेन जो 3-3 साल वो भी 3 वर्ष हो रहे हैं उसी दरमियान में किसी भी वहाँ नहीं तो आपका विधानसभा में उठा यदि नहीं इतना अभी हम लोग दूसरे के कहने पर अपना घर को तोड़। दोनों ही झामुमो के सिपाही, एक 7 बार के विधायक, एक 3 बार भाजपा में शामिल होने के बाद दुमका लोकसभा का सियासी पारा सीता सोरेन ने और बढ़ा दिया है। कहावत है, जिसका अपना घर शीशे का हो उसे दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। न्यूज विंग के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।